सूर्या सूर्य कुमार यादव एक बार फिर हैदराबाद में छाए और साथ में विराट कोहली ने भी दिया उनका साथ और अक्षर पटेल ने किया ऑस्ट्रेलिया बैट्समैनों को धुरस्त। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में मैच जीत कर सीरीज अपने नाम कर लिया। हाय दोस्तों, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया के जीतने की खुशी में। हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। क्या बंदा है यार, जहाँ पर सारे भारतीय बैट्समैन कुछ परेशानी में आ रहे थे तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने क्या लाजवाब पारी खेली। जहाँ पर विकेट पे उछाल था, बॉल सही से बैट पे आ नहीं रही थी, वहाँ पर जबरदस्त तरीके से छक्का लगा रहे थे। 360 डिग्री वाले भी जबरदस्त छक्का लगाए। हालांकि रोहित शर्मा 17 रन स्कोर पे आउट हो गए और KL राहुल तो कुछ कर ही नहीं पाए। हालांकि विराट कोहली उनका साथ दिए और वो भी एक शानदार पारी खेली, लेकिन सूर्य कुमार का इनिंग बहुत ही जबरदस्त रहा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को एकदम से सोचो कि एकदम तूफान मचा कर रख दिया और शानदार 69 रनों की पारी खेली और अपने टीम को जिताने में बहुत ही बड़ा योगदान दिए। हालांकि लास्ट में आउट हो गए और टीम इंडिया को वैसे तो लास्ट ओवर में 11 रनों की आवश्यकता थी, वैसे पहले ही बॉल पे विराट कोहली ने एक छक्के लगाकर आउट हो गए। लेकिन बाद में हार्दिक पांड्या भी, क्या बंदा है ये भी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच को फिनिश किया और टीम इंडिया इस जीत के साथ टीम इंडिया एक बार फिर सीरीज अपने नाम कर लिया। तो चलिए दोस्तों, हम पूरे मैच की बात करते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि गेंदबाजी का फैसला सही था क्योंकि बाद में बैटिंग करना आसान हो जाता है क्योंकि ओस पड़ने लगता है, इसीलिए बॉल स्लिप होने लगती है और गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए रोहित शर्मा ने अच्छा डिसीजन लिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने आए शिमरन ग्रीन, वो भी क्या बंदा है, इतना चौका लगातार पहले ही ओवर भुवनेश्वर को एक ही ओवर में 18 रन मार डाले और दूसरे ओवर चाहे भुवनेश्वर हो चाहे जसप्रीत बुमराह या हर्षल पटेल, सबको एड़े हाथे से ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मात्र 19 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली। और जैसे ही शिमरन ग्रीन आउट हुए उसके बाद ऐसा तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन ताश के पत्ते की तरह झड़ते गए और कप्तान एरन फिंच भी ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं किए। लेकिन उसके बाद लास्ट में टिम डेविड और डेनियल सेम्स ने एक बहुत ही अच्छा साझेदारी की, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवरों में जहां लग रहा था 160 रन ही जाएगा, लेकिन लास्ट में टिम डेविड ने और डेनियल सेम्स ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, जिसके वजह से 187 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया और भारत को जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य दे दिया। और भारत की तरफ से बैटिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल पहले ही ओवर में आउट हो गए और उनके साथ रोहित शर्मा भी कुछ अच्छा नहीं किए और 17 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया एक बार फिर लड़खड़ा गई, लेकिन वही सूर्य कुमार यादव का जलवा और कमाल और उनके साथ विराट कोहली दोनों ने मिलकर एक अच्छा बहुत ही पार्टनरशिप किया। दोनों ने मिलकर 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के सामने विरक्ता दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से टीम इंडिया मजबूती बनाई। हालांकि सूर्य कुमार यादव मैच को फिनिश नहीं कर पाए और 69 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन जब तक सूर्य कुमार यादव आउट हुए भारत को जीत के तरफ टीम इंडिया बढ़ चुकी थी। उसके बाद कोहली ने भी एक शानदार पारी खेली और लास्ट ओवर में जब भारत को 5 गेंदों पे 5 रन चाहिए थे तो आउट हो गए। ऐसा फिर लगा कि एक बार मैच फंस जाएगा, लेकिन जब तक हार्दिक पांड्या है और दिनेश कार्तिक है टीम इंडिया मैच कैसे हार सकती है। और हार्दिक पांड्या ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी, जिसके साथ टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर ली। और दोस्तों, आप लोग के हिसाब से आज का जो T20 मैच था किसे मैन ऑफ द मैच बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सूर्य कुमार यादव को बनाना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव क्या लाजवाब पारी खेली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।